भविष्य में असफल हो जाएंगे, ये डर काफी लोगों को लगता है कि भाई मुझे यश नहीं आएगा, मैं जो काम करूंगा उसमें सफलता नहीं मिलेंगी, सफलता नहीं मिलेंगी तो नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, मैं किसी को कुछ बोलूंगा और उसने नहीं बोल दिया तो मुझे अच्छा लगेगा नहीं, मेरा इंसल्ट हो जाएगा, अपमान हो जाएगा। इसके लिए लोग बहुत सारी बातें करते भी नहीं है। शादी किसी को चीज़ कुछ पूछना है तो भी लोग पूछते नहीं है कि भाई मुझे चाबी होनी है, बाइक होना है आपकी, एक काम करके आना है, नहीं पूछेंगे बाइक, क्यों नहीं वो नहीं बोलेगा। कोई लड़का किसी लड़की को इतना प्यार करता है मगर प्रपोज नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो नहीं बोलेंगे तो प्रपोज तो करके देख क्या होता है, तो मगर नहीं करेगा डर के मारे, क्यों नहीं बोलेंगे तो। कोई लोग बिजनेस व्यापार चालू नहीं करते कि उनको डर लगता है कि समझो व्यापार चालू कर दिया बहुत खर्चे हो गए, लॉस हो गया। तो किसी को फ़ोन करना है तो लोग फ़ोन भी नहीं करते, क्यों? कि नहीं वो सोया होगा, वो उठेगा नहीं, वो बोलेंगे अभी क्यों फ़ोन किया, इसलिए अपना काम है उसका काम है, तभी भी फ़ोन नहीं करेंगे। कितनी सारी ऐसी बातें हैं कि लोग वो करते नहीं हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं जो करूँगा उसमें मुझे सफलता मिलेगी नहीं और वो अच्छा नहीं लगेगा। अभी बताइए कि ये आता कहाँ से है असफलता का डर? असफलता का डर आता है, एक तो लोगों का देखा होगा कि किसको असफलता आई हुई है, फिर अपने को लगता है कि अपने को भी वैसा हो जाएगा, अपने को असफलता आ जाएगी, एक तो वो होगा, या अपने खुद को असफलता पहले आई होगी, उसका धक्का बैठ गया होगा, उसकी घाव होंगी कि जिसकी वजह से हम बोलते कि नहीं वो मुझे धक्का बैठ गया, अभी मुझे असफलता मिली है तो अभी वैसे ही रिपीट हो जाएगा। मतलब एक तो वो पास से आ रहा है, अतीत से आ रहा है, और मतलब भूतकाल से आ रहा है, भविष्य में मैं रख रहा हूँ उसको, और नहीं तो फिर और किसका देखा हुआ है, या फिर टीवी में, यूट्यूब पे, मतलब कहीं ना कहीं उस पिक्चर में कहीं ना कहीं ऐसा देखा हुआ है कि ऐसा होते रहता है, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं, बहुत ही खराब हालत हो जाती है और फिर उसमें तकलीफ होती है, इसलिए फिर करो ही मत। एक्चुअली हमको यदि सफल होना है तो असफलता का डर सहना ही पड़ेगा। असफलता यह सफलता का राज है, असफलता यह सफलता का पाया है, मजबूती का फाउंडेशन है, मजबूत फाउंडेशन है जिसके ऊपर सफलता रचाई जाती है। आपको सबको बताइए, थॉमस अल्वा एडिसन का एग्जाम्पल हम देते रहते हैं कि 9999 बार वो फेल हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज करने में असफल हुआ 9999 बार। उसको पूछा गया कि आपको कैसा लगता है, आप बार बार फेल हो रहे हैं, कैसा लगता है? तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मुझे ये मालूम हुआ कि 9999 ऐसे तरीके हैं कि जो तरीकों से काम करते हैं तो बल्ब की खोज होती नहीं है। 10,000वां एक्सपेरिमेंट उसने किया और उसमें बल्ब की खोज हुई। ये तो बीच में छोड़ देता तो आज हमें जो बल्ब दिखता है वो दिखता नहीं था। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। बहुत लोग इलेक्शंस में खड़े रहते हैं, दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच दस दस बार हार जाते हैं और एक बार बहुत बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं। एग्ज़ाम का भी है, लोग MPSC UPSC एग्ज़ाम में देते रहते हैं और वो लोग डटे रहते हैं कि जो दिल वाले हैं, पक्के दिल वाले लोग जो है वो देते रहते हैं, वो पक्के होते हैं। असफलता का सामना जो करता है वही सफल होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि डबल योर फेल्योर रेट्स, मतलब आपका फेल्योर रेट डबल कर दो, जितना आप फेल्योर रेट आपका डबल कर देंगे, बढ़ाएंगे, उतने आप सफलता की तरफ जाएंगे, क्योंकि हर फेल्योर से आप सीखने वाले हो। मैं ये भी बोलता हूँ कि फेल फास्ट, जल्दी जल्दी फेल हो जाओ, जितना जल्दी फेल हो जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आप सीखेंगे और सफलता की ओर जाएंगे। क्या है कि आपको करना क्या होगा, आपको जब जब ऐसा डर लगता है इसको प्रेजेंट होना पड़ेगा, ये मेरा काल्पनिक डर है, भविष्य में मैं असफल हो जाऊंगा ऐसा मुझे लगता है, क्या वो सच है? किसने भविष्यवाणी की हुई है? भविष्यवाणी कैसे क्या हो सकती कि मैं फेल हो जाऊंगा? ऐसा आपको क्यों लगता है कि नहीं नहीं मुझे जमेगा ही नहीं? तो फिर करना क्या होगा कि ये जो पास का डर हमने भविष्य में ला के रखा हुआ है उसको वापस पीछे डाल देना पड़ेगा। जब पास का जो डर है वो पास में डाल दिया तो सामने क्या बचा हुआ है? सामने कुछ भी नहीं है। भविष्य में यदि खाली है, भविष्य में कुछ भी नहीं है, तो भविष्य में फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भविष्य में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, क्योंकि जो काल्पनिक डर था वो तो पीछे चले गए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फेल हो गया तो फेल हो गया, क्या बड़ी बात है, फेल हो गए क्या प्रॉब्लम है, फेल हो गए तो फेल हो गए, कौन सा आसमान टूट के नीचे आ रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि फेल होंगे तो क्या होगा, उसकी चिंता करना, उसकी फिक्र करना, उससे डिप्रेशन होना। फेल हो गए इसका मतलब कुछ भी नहीं है, फेल हो गए इसका मतलब फेल हो गए, फेल हो गए इसका मतलब उसको एक्नॉलेज करना है कि मैं फेल हो गया और अटेम्प्ट करना है। ये करेंगे डेफिनेटली तो ये जो काल्पनिक डर है असफलता का वो निकल जाएगा और आप बहुत सफल हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच।